ACL सर्जरी होने के बाद घुटने में ना कटर कटर की आवाज आ रही है। कटर कटर की आवाज के साथ साथ अगर बहुत देर चलते तो दर्द भी हो जाता है, ऐसा भी लग रहा है कि हड्डी पड्डी चल रही है। आखिर इसका रीजन ये रहता है कि जब हमारा ACL टूटता है, एक लिगामेंट रहता है जो दोनों हड्डियों को जोड़ता है, फीमर और टीबिया को आपस में जोड़ने का लिगामेंट रहता है, वो जब टूटता है हम थोड़ा प्रोटेक्टेड मोड में चले जाते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, रेस्ट ज्यादा हो जाता है, तो उस वजह से हमारी जो मसल्स है वो खत्म होने लगती है धीरे धीरे। क्वाड्रिसेप्स वीक पड़ जाती है, VMO वीक पड़ जाती है, पीछे हैमस्ट्रिंग है वो वीक पड़ जाती है, नीचे काफ मसल वीक पड़ जाती है। उसके बाद हमने एक सर्जरी और करा लेते हैं जो कि ज़रूरी है। अब सर्जरी में डिपेंड करता है कि सर्जरी किस तरह की है। अगर नॉर्मल सर्जरी कराई तो उसमें 1-1.5 महीने का रेस्ट है, इंटरनल ब्रेस कराई तो उसमें रेस्ट नहीं है, पर फिर भी सर्जरी सर्जरी है। अब दोनों ही सर्जरी के अंदर क्या होता है, जिस सर्जरी में ज़्यादा रेस्ट होगा उसमें ज़्यादा मसल्स ख़त्म हो जाएगी। तो कई बार सर्जरी के बाद धीरे 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 मांसपेशियाँ बहुत वीक पड़ जाती है। कुछ लोग बड़े एक्टिव रहते हैं, जागरूक रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अगर आपको कोई फिजियोथेरेपी का सपोर्ट नहीं मिल रहा जहाँ से भी आपने सर्जरी कराई है, वो आपको ढंग से नहीं सिखा रहे या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग जाओ और सीखो, जो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि लोग बहुत दूर दूर रहते हैं। तो जो लोग बहुत लोग जो समझदार रहते हैं वो क्या करते हैं, नेट पे सर्च करके रखे कोई अच्छा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट ढूंढते हैं, 6-7 महीने 1 साल तक लगातार एक्सरसाइज करते हैं बैक टू स्पोर्ट्स तक प्रोटोकॉल, जिसके अंदर ACL प्रिवेंशन एक्सरसाइज भी आती है, रनिंग, जंपिंग, शटल, ईसेंट्रिक मोड, जितनी भी एजिलिटी ट्रेनिंग होती है ना वो सब होती है। वो जब की जाती है तभी जाके मसल्स दोबारा बनती है। अगर आपने वहाँ तक एक्सरसाइजेज नहीं करी, चाहे उसका कोई भी रीज़न हो, आपको गाइडेंस नहीं मिली, अगर गाइडेंस नहीं मिली तो आप गाइडेंस तो ले भी सकते थे किसी और से, तो हमारी मसल्स इतनी वीक हो जाती है कि इसके मैकेनिक्स ख़राब हो जाते हैं। तो मेन होती है एक मसल VMO वीक हो जाएगी तो ये पटेला उठावा नहीं रहेगा, ये पटेला उठावा नहीं रहेगा, VMO इसको उठा के रखती है। VMO वीक हो जाएगी जो होती ही है 100% सब में, अगर आप उसको स्ट्रांग नहीं बनाओगे तो चिपका हुआ रहेगा और कटर कटर करेगा, कट 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 कट। अभी सिर्फ कट कट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, नीचे के कार्टिलेज को भी घिस देगा। तो बहुत लंबे समय तक अगर VMO वीक रह जाए तो नीचे के कार्टिलेज घिस जाते हैं जो वापस नहीं आते हैं। उसी तरह से फीमर और टीबिया के भी कार्टिलेज घिसते हैं अगर हम एक्सरसाइजेस ढंग से नहीं करते। सबसे जो मेन रीज़न रहता है ना वो रहता है लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। लैक ऑफ एक्सरसाइजेस का मतलब ये नहीं है कि मैं सर एक्सरसाइज तो कर रहा था फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। एक्सरसाइजेस मतलब प्रॉपर गाइडेंस में एक ऐसा फिजियोथेरेपिस्ट जो ACL के पेशेंट को बैक टू स्पोर्ट्स तक ले जाए, वैसे ढूंढने मुश्किल है। जैसे हमारा प्रोटोकॉल रहता है कि हम ऑपरेशन के बाद हर वीक एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो हर वीक कॉल करेंगे आपको, हर वीक एक्सरसाइज सिखाएंगे, हर वीक हम एक्सरसाइज इंप्रूव करेंगे और आपको बैक टू स्पोर्ट्स तक की ट्रेनिंग देंगे, तब जाके रिकवरी आने के चांसेस हैं, नहीं तो मेरे पास कोई दवा नहीं है जो आपको ठीक करे। सो सर्जरी अच्छी हो रखी है, सब ठीक है, ACL दोनों का आपका ठीक है जो बना हुआ है अभी। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी मसल्स जो वीक थी उसने हमारे घुटने को डीजनरेट कर दिया। अब जितना डीजनरेट हो गया वो तो वापस आएगा नहीं थी। मुझे कोई मेथड नहीं हमारे पता करने के लिए कितना डीजनरेट हो गया। छोटे मोटे डीजनरेशन आते नहीं, ना MRI में आते हैं ना एक्सरे में आते हैं, ज़्यादा डीजनरेशन सब चीज़ों में आते हैं। तो आपके MRI में डीजनरेशन नहीं आया है अभी, तो मतलब छोटा ही है, बड़ा नहीं है, घिसना चालू हुआ है। सो रिकमेंड ये है कि आप है ना फिजियोथेरेपी सेशंस लीजिए एवरी वीक लगभग 4-5 महीने तक, और हम आपकी एक्सरसाइज इंप्रूव करते रहते हैं, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। इसके अलावा कौन सी स्लीव देनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो सब आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे बताते रहे। दवाइयों का कोई रोल नहीं है। उसके बाद भी अगर ठीक नहीं होंगे तब फिर और ढंग से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, एक और MRI करके, कुछ और दिक्कत तो नहीं है कि वापस कोई मेनिस्कस फट गया है। या अभी तो मैंने आपको बता ही दिया ना, अभी कुछ है नहीं आपके सब में, आपकी 2-2 बार सर्जरी हो रखी है तो मैं 3रा सर्जरी करना नहीं चाहता। जो चीज़ों की कमी मुझे दिख रही है ना पहले वो पूरा करते हैं। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।